बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक फरमान बताऊंगा कि अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो आप क्या करें। इस पर आप दोस्तों ने ज़रूर अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वुज़ू करे और उठकर दो रकत नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर माफ़ फरमा देता है। अबू दाऊद की हदीस है। फिर सुन लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वुज़ू करे और उठकर दो रकत नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर माफ़ फरमा देता है। अबू दाऊद की हदीस है। आप दोस्तों ने इस पर ज़रूर अमल करना है। अगर गुनाह हो जाता है तो उसके बाद वुज़ू किया करें और दो रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से माफ़ी ज़रूर मांगा करें। आप दोस्तों ने इस वीडियो को भी आगे ज़रूर शेयर करना है। और जो लोग ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास अच्छे और काबिल टीचर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आपको तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाएंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझसे राबता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।